आज सेहत पर जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो चीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ साथ मेरे आसपास के लोगों को भी हो रही है। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से मेरा जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा सूख रहा था। जितना पानी पियो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ मिनट बाद फिर वही हाल। अब मैं सोच ही रही थी कि डॉक्टर को दिखाते हैं, उतने में मेरे ऑफिस के कुछ लोग मेरे पास आए थे सेम यही प्रॉब्लम लेकर। इसके बाद मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली और फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, उनमें से भी 3-4 लोगों को यही समस्या थी। माथा मेरा तब ठनका जब हमें सेहत पर व्यूअर्स की मेल आए यही सूखे मुंह की दिक्कत को लेकर। अब हो सकता है कि ये समस्या आपको या फिर आपके आसपास भी किसी को हो रही हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जब मैं बोल रही हूँ तो भी मेरा मुंह सूख रहा है। चलिए जानते हैं डॉक्टर्स से। कई बार होता है कि हमारा मुंह हमेशा सूखा रहता है, बहुत सारा पानी पीते हैं फिर भी मुंह सूखा रहता है, खाने पीने में तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ड्राई माउथ है, स्मेल भी आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पानी कम पीना। हमें लगता है कि हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, बट पानी वो कम होता है हमारी बॉडी की ज़रूरत के मुकाबले। तो पानी हमेशा ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पानी पीने में, तो प्यास लगने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। दूसरा, मुंह सूखने की एक कॉमन कारण है खाने पीने की इश्यूज। अगर आप खाने पीने में ज़्यादा घी तेल खा रहे हैं, बाहर का खाना, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं अगर, तो मुंह सूख सकता है उससे और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तीसरा कॉमन कारण है कुछ दवाइयाँ, स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, इनकी वजह से मुंह काफ़ी सूखता है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और आपको मुंह सूख रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो, और बहुत सिंपली ठीक हो सकता है अगर उस दवाई की डोज बदली जाए या दवाई का सॉल्ट बदल दिया जाए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स में ये हो सकता है कि लगातार मुंह सूख रहा हो, प्यास लग रही हो, स्पेशली डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो अगर ऐसा आपको लगातार चल रहा है तो अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराएं या डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अंडरलाइंग बीमारी है जिसकी वजह से मुंह सूख रहा है ज़्यादा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। अगर मुंह सूखना ठीक ना हो या अगर मुंह में छाले होने लगें या बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे मुंह से, या इस हद तक चला जाए कि खाने पीने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप चबा नहीं पा रहे हैं खाना, प्रॉपर सलाइवा नहीं बन रहा है, खाना आप निगल नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह अवश्य लें आप जाके। इलाज और इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा मैंने बताया, खाने पीने का ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, पानी टाइम से पिएं और ज़्यादा पिएं, प्यास लगने से पहले ही पानी पिएं। कई बार पानी के साथ साथ नमक की कमी भी हो जाती है तो कुछ नींबू पानी नमक वगैरह बना के वो पी सकते हैं। अपने मुंह को सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रश करते करते जीभ की सफाई नहीं कर रहे हैं तो जीभ पर एक कोटिंग डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिमिलर आ सकती हैं, मुंह से स्मेल आना, मुंह का ड्राई होना। तो मुंह को अच्छी तरह साफ रखें इंक्लूडिंग योर टंग, तो जीभ को भी साफ करें सुबह ब्रश करते हुए, बहुत ज़रूरी है, उस पर कोटिंग नहीं रहनी चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखें, स्नैक्स, बाहर का खाना, जंक फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स या फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, ये सब अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, अपने आप को फिट रखें, खुश रहें, और अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल दवाई ना लें। कोई भी दवाई आप लेते हैं तो डॉक्टर से थॉरली डिस्कस करें कि वो क्या दवाइयाँ हैं, कैसे हैं और किस डोज में खानी है। अगर ये सब करेंगे तो ड्राई माउथ आपका प्रिवेंट भी होगा और अगर हो रहा है तो ठीक भी हो जाएगा।
पानी पीने के बाद भी आपका मुंह क्यों सूख रहा है इसके पीछे के कारण आपको पता चल गए। एक चीज और, जब आप सोते वक्त नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो मुंह अपने आप खुल जाता है, और ऐसे में इंसान सोने के दौरान मुंह से सांस लेता है। ज़्यादा मुंह से सांस लेने के कारण भी मूड काफ़ी ज़्यादा आपका ड्राई हो जाता है, काफ़ी ड्राई महसूस होता है। पर अगर ये समस्या ज़्यादा हो रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपकी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है तो अच्छी और जल्दी रिकवरी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है ये बातें, चलिए जानते हैं। अगर आपकी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है और आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अस्पताल में तो डॉक्टर नर्स आप पर नज़र रखते ही हैं, लेकिन घर पर आपको कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा खुद। अब ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपकी रिकवरी ठीक हो सके और कोई इन्फेक्शन ना हो। क्या है ये टिप्स, ये हमें बताया डॉक्टर हर्षल ने। ऑपरेशन में अगर घाव हुआ है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों को समय से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई बीच में ही रोक देते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही आगे जाकर वो दवा असर भी नहीं करेगी। इसलिए अपनी दवाइयों का जो कोर्स है उसे पूरा करिए और उनके जो लेने का समय है उसका खास ख्याल रखिए। सर्जरी के बाद सिगरेट और शराब से दूर रहिए, घाव भरने में दिक्कत आएगी। अगर डॉक्टर ने आपको लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट बोली है तो उसे माने। कोई भी छोटे मोटे बदलाव डॉक्टर को ज़रूर बताएं, चाहे बुखार आए या फिर ब्लीडिंग हो। घाव में कोई भी बदलाव हो, थोड़ा सा भी चेंज हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। अपने सारे डॉक्टर के पर्चे संभाल कर रखिए, और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर के पास समय समय पर फॉलोअप के लिए ज़रूर जाइए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जाने किन लोगों को दूध पीना नुकसान कर सकता है। दूध में लगभग हर तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसी वजह से दूध को सुपर फूड भी कहा जाता है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि एक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। यही दिक्कत दूध के साथ भी है। ज़्यादा दूध पीने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता के मुताबिक ज़्यादा दूध पीने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि दूध प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा दूध पीने की वजह से बड़ी तेज़ी से वज़न बढ़ता है। इसके अलावा दूध में लैक्टोज नाम का एक नेचुरल शुगर भी होता है, जिसे पचाने का काम लैक्टेज नाम का एंजाइम करता है। उम्र बढ़ने के साथ ये एंजाइम बॉडी में कम होने लगता है, इसी वजह से दूध पीने से गैस, ब्लोटिंग और पेट में मरोड़ की समस्या कुछ लोगों को हो सकती है। यही नहीं, ज्यादा दूध पीने से इसमें मौजूद कैल्शियम के कारण किडनी में पथरी तक बन सकती है। साथ ही ये खाने में मौजूद आयरन को शरीर में अब्सॉर्ब करने से रोकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को और खासकर बच्चों को दूध से एलर्जी भी होती है, और ज्यादा दूध पीने से उन्हें एनाफिलैक्टिक शॉक तक लग सकता है, जिस वजह से उन्हें लो ब्लड प्रेशर, उल्टी, चक्कर और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि ज्यादा दूध ना पिए, बल्कि दूध के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी सेवन करते रहें, ताकि शरीर को जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिलते रहें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।